और एक बड़ी खबर यह है, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज 12:40 पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये इस वक्त की जानकारी आपको दे दें, महाराष्ट्र में किसानों के हालात को लेकर मुलाकात होगी। वैसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने एनसीपी की तारीफ की थी, आपको ये भी याद होगा शिवसेना के सांसद भी हो सकते हैं इस बैठक में शामिल, जो जानकारी मिल पाई है। ये मुलाकात आज होनी है, महाराष्ट्र में किसानों के हालात पर पीएम मोदी से मिलेंगे शरद पवार। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में शरद पवार की तारीफ की थी कि राज्यसभा में एक बेहतर विपक्ष की भूमिका एनसीपी ने निभाई है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। और अब खबर ये है कि इस बैठक में यानी कि इस मुलाकात में शिवसेना के सांसद भी शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि दिल्ली में आज मंथन होना है एक बार फिर से एनसीपी कांग्रेस के बीच में, और अब शिवसेना की तरफ से भी डेडलाइन देने की खबर आ रही थी। अब इसी दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात शरद पवार की, इसके क्या मायने निकाले जाएं आप समझिए, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की दिल्ली में मीटिंग को महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा। कल जब मुलाकात के बाद शरद पवार से पूछा गया कि सोनिया गांधी से उनकी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर क्या बातचीत हुई, तो शरद पवार ने कहा कि हम तमाम और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गए थे, जिसमें एक मुद्दा किसानों का भी था। लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब 12:40 पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे शरद पवार, तो उसमें महाराष्ट्र में किसानों के जो हालात है उस पर चर्चा होगी, ये फिलहाल कहना है, ये अभी जानकारी मिल पा रही है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रवि, पूरी डिटेल क्या है, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, डिटेल्स ये है कि 12:40 पर शरद पवार साहब प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, संसद भवन में मुलाकात होगी। अभी तक खबर ये आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ शरद पवार का अपॉइंटमेंट है, शरद पवार अकेले 1-on-1 मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि परसों जिस दिन शरद पवार की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत उनसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री से टाइम लेकर उनसे किसानों के मुद्दे पर मुलाकात करनी चाहिए। तो हो सकता है कि शिवसेना के लोग भी बाद में जाएं, लेकिन अभी सिंगल 1-on-1 मीटिंग है। और अगर 1-on-1 मीटिंग होती है तो पर्सनली इसको काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो सीनेरियो बन रहा है सरकार बनाने को लेकर, उसमें अभी तक शिवसेना के साथ जो सरकार बनने की स्थिति वो क्लियर नहीं हो पाई है। और अगर इस बीच में प्रधानमंत्री के साथ शरद पवार की मुलाकात होती है, इसको पॉलिटिकल नजरिए से भी देखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शरद पवार और एनसीपी की तारीफ की है, आपको ध्यान हो तो, राज्यसभा में। और इस जो हालात बन रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था कि एनसीपी से बीजेपी की नजदीकियां कुछ मामलों में कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली बन रही है। तो इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जाएगा। किसानों के मुद्दे पर तो मुलाकात कहने को है, लेकिन हो सकता है इस मुलाकात के दौरान तमाम वो बातें हो जिसका जिसकी चर्चा अभी तक मार्केट में नहीं है या लोगों को तक नहीं है, और इसके कयास तमाम लगाए जाएंगे। रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम जरा एक बार फिर से सुनवाते हैं दर्शकों को, 2 दिन पहले सदन में किस तरह से तारीफ की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। एनसीपी और दूसरा बीजेडी, और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं 2 का उल्लेख कर रहा हूं। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर नाम लेकर एनसीपी और बीजेपी का जिक्र किया, किस तरह से अनुशासनात्मक हिस्सेदारी भागीदारी दी है सदन में कार्रवाई को लेकर। और इसी को लेकर आपको ये भी बता दें, कल जब मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से शरद पवार की, उसके बाद आज प्रधानमंत्री से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है, ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इसके कई तरह से मायने निकाले जा सकते हैं। रवि मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, जब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शरद पवार बाहर निकले, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चर्चा नहीं हुई है, जो और मुद्दे हैं उन्हें लेकर चर्चा हुई है। तो आज प्रधानमंत्री से मीटिंग होना बहुत महत्वपूर्ण कई मायने। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि देखिए, जिस तरह से सोनिया गांधी से मिलकर जब पवार निकले और हम लोग उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके घर पे पूछा गया उनसे सवाल कि आपकी सोनिया गांधी से क्या बात हुई सरकार बनाने को लेकर, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मीटिंग में अभी तक सरकार बनाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, ना हमारी कोई शिवसेना से बात हुई है, ना ही कांग्रेस से बात हो रही है। कांग्रेस और क्योंकि हम एक साथ चुनाव लड़े हैं तो हमारे प्रोग्राम क्या होगा आगे, अगर सरकार बनती है तो हम किस लाइन पे जाएंगे, ये हमारी आपस की बात हुई है। शिवसेना को उस मीटिंग में भी शामिल नहीं किया गया। अभी भी जो आज मीटिंग होनी है, आपको बता दूं कि आज कांग्रेस के और एनसीपी के नेताओं की दिल्ली में मुलाकात होने वाली है सीनियर नेताओं की, लेकिन शिवसेना अभी भी उससे दूर है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना से एक दूरी कांग्रेस के लोग बनाए हुए हैं, और उसी वजह से ऐसा लगता है कि कई बार कहीं ना कहीं एनसीपी, आपको ध्यान हो तो 2014 की बात आपको बताना चाहूंगा, 2014 में भी शिवसेना ने जब बीजेपी को तलखी दिखाई थी सरकार बनाने को लेकर, उस वक्त
बाहर से सपोर्ट देने का, सरकार को बाहर से सपोर्ट देने की बात शरद पवार ने कही थी, जिसके बाद सरकार ढाई महीने अकेले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने चलाया था, बीजेपी ने चलाया था, ढाई महीने के बाद जाके शिवसेना ने सरकार को ज्वाइन किया। तो ये कोई नई बात नहीं है, शरद पवार से प्रधानमंत्री के नजदीकियों को लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कई बार उनकी तारीफ कर चुके हैं, यहाँ तक की एक और बात ये समझाइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर तक की डेडलाइन शिवसेना की तरफ से एनसीपी और कांग्रेस को दी जा सकती है, लेकिन जो मायने हम अभी निकाल रहे हैं उसके बाद तो इस कंडीशन में शिवसेना है ही नहीं कि वो डेडलाइन दे सके, और प्लान भी तो फिर उसका क्या होगा? देखिए, शिवसेना के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिवसेना अब सबसे बड़ी लूजर साबित हो रही है। आपने एक नाव को छोड़ दिया और दूसरे नाव में आपके पैर भी नहीं पड़े हैं। कहा जाता है कि जब तक आपके पास दूसरी चीज नहीं हो तब तक पहली चीज नहीं छोड़नी चाहिए। तो जिस स्थिति में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा, मंत्रालय से इस्तीफा दिया, एनडीए से नाता तोड़ा, वैसी स्थिति में उनको लग रहा था कि तुरंत हाथों हाथ कांग्रेस और एनसीपी उनको हाथों हाथ लेंगे और तुरंत उनकी सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री पद ले लेंगे। लेकिन जो शर्तें रखी जा रही है, जिस तरह से शिवसेना को कहा जा रहा है कि भाई आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आपको सेकुलर बनना पड़ेगा, तो ये सारी शर्तें क्या शिवसेना मानने को तैयार है? क्या शिवसेना हर कुछ छोड़कर खाली मुख्यमंत्री पद के लिए अपने सारे विचारधारा को, अपने सारे लाइन को छोड़ने को तैयार है? तब जाके स्थिति बनेगी, क्योंकि शिवसेना के पास अभी बहुत कुछ खोने को है। पाने को कम चीज दिख रहा है, लेकिन खोने को बहुत कुछ है। लेकिन जहां तक कांग्रेस और एनसीपी का सवाल है, वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। संजय राउत का ये कहना कि शरद पवार बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अगर वो कोई भूमिका बना रहे हैं तो उसपे संदेह नहीं किया जा सकता, इसे भी कैसे समझा जाए? क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिल चुका है शिवसेना को? क्योंकि अभी तक तो हम पब्लिकली तो कुछ भी नहीं देखा हमने, शिवसेना है ही नहीं कहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर मीटिंग तक। बिल्कुल, आप देखिए दिल्ली से भी जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाता है तो शरद पवार से मुलाकात करता है, सिर्फ एनसीपी के नेताओं से मुलाकात करता है, वहां भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप देखिए तो शरद पवार, अहमद पटेल और कांग्रेस के नेता बैठते हैं और उसके 5 मिनट बाद उद्धव ठाकरे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये दुनिया अभी तक नजदीकी बन नहीं पाई। ठीक है रवि, आपसे हम आपसे अपडेट आगे लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, आगे बढ़ना है हमें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन का पाकिस्तान पर निशाना, यूएन से प्रतिबंधित आतंकी संगठन पूरे क्षेत्र में हिंसा फैला रहे हैं। अकबरुद्दीन ने ये कहा है, सीमा पार से आतंकियों को फंडिंग और भर्ती की जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए भी आतंकवादी दुनिया भर में हिंसा फैला रहे हैं। यूएन और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। ये एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर लगातार भारत अपनी कूटनीति पर काम कर रहा है, अपनी रणनीति पर काम कर रहा है और अब संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए उसे एक्सपोज किया है।